तो 2 दिन बाद सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे में से कोई नहीं जाएगा, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है। हमारे में से कोई नहीं गया। अचानक से ना दो ढाई महीने बाद मैं दोबारा किसी कंपनी का इंटरव्यू देने गया, मतलब सेम एरिया के अंदर गया, लेकिन मैं उस कंपनी में नहीं गया, उस कंपनी से दो ऑफिस बाद मेरी कंपनी थी। तो छोटे पिछली याद तो आ ही जाती है ना, किस कंपनी में आए थे 2 महीने पहले और इन कंपनी ने ठगा था, ऐसे कुछ वैसे। वहाँ छोटे दो लड़के खड़े थे, वो लड़के वो थे जो 2 महीने पहले जब हम लोग उस कंपनी का इंटरव्यू देने आए थे, तो मैं लास्ट जब मेरी जो जहाँ मैं खड़ा था, तो मेरे साथ में हम लोगों ने चाय पी थी, तो हम दो तीनों ने इकट्ठे चाय पी थी, तो वो भी उस कंपनी का इंटरव्यू देने आया था, वो फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए थे। वो दो लड़के वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने वो एक अपना आई कार्ड लगा रखा था, तो मैंने उनसे पूछा, ऐसे मिला, वो भी पहचान गए मुझे और मैं भी उनको पहचान गया, हमारी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे, तो कहते हैं सर वो मतलब हम लोगों को कॉल आ गई थी कि हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है यहाँ ट्रेनिंग, हमारे को तो 2 महीने हो भी गए। मैं कहा तुम लोग तो सेलेक्ट ही नहीं हुए थे, रिटर्न तुम्हारा क्लियर ही नहीं हुआ था। कहते हैं हाँ रिटर्न तो क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आए थे ना, तो हम लोगों ने आपके डॉक्यूमेंट को देखा, डॉक्यूमेंट तो सबमिट करा रखे थे, डॉक्यूमेंट को देखा, आपकी परसेंटेज अच्छी थी, तो आपकी परसेंटेज के बेस पर हम लोग आपको सेलेक्ट कर। तो मैंने कहा तुम्हारे बैच में कितने और बच्चे हैं, कहते हैं हम 25 बच्चे, यानी कि हम जो 18-20 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था ना, हमें क्या बोला गया था कि हम लोगों को क्वालिटी स्टफ चाहिए, तो वो क्वालिटी स्टफ जब उनके 19-20 लोगों ने जो हम लोग सेलेक्ट हुए थे हमारे में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया ना, तो बाकी 25 लोग, अब बाकी उन्होंने रैंडमली सबको कॉल करा और जो उनको 25 बच्चे फंस गए वो उनके लिए क्वालिटी स्टफ, वो उनको ट्रेन करेंगे। छोटे ऐसे ठग गए हैं, इतना परेशानियां होती है जिंदगी में। चल बाकी तेरे को आगे बताता हूँ।